नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बनी चिंता के बीच महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में भी स्कूल शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। 15 दिसंबर से मुंबई और पुणे में पहली से सातवीं कक्षा के स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सभी के लिए सिरदर्द बन रहा है। इसे रोकने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। मुंबई सहित पूरे राज्य भी अलर्ट मोड पर है। हालांकि ना तो मुंबई, ना ही राज्य, ना ही देश में अब तक नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। राज्य सरकार ने पूरे राज्य में 1 दिसंबर से ग्रामीण क्षेत्रों में पहली से चौथी और शहरों में पहली से सातवीं कक्षा शुरू करने का निर्देश दे दिया है। परिपत्रक के अनुसार कंटेनमेंट जोन में स्कूल नहीं खुलेंगे और अन्य क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर मौजूदा स्थिति का आकलन कर स्कूल शुरू करने का निर्णय ले सकते हैं। मुंबई में कोविड पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन नए वेरिएंट के जोखिम को देखते हुए मुंबई में 1 दिसंबर से स्कूल शुरू करने के निर्णय को टालते हुए 15 दिसंबर से स्कूल शुरू करने की बात मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कही है। वहीं पुणे के मेयर मुरलीधर मोहोल और पुणे महापालिका के आयुक्त विक्रम कुमार के बीच स्कूल शुरू करने को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में भी 15 दिसंबर से स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो मुंबई और पुणे में स्कूल शुरू करने का निर्णय ले लिया गया है। 15 दिसंबर से पहली से सातवीं कक्षा तक के स्कूल खुलेंगे। मुंबई और पुणे में स्कूल शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन, जो कि कोरोना का नया वेरिएंट है, इसके बीच में ये स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। 15 दिसंबर से स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है, क्या कुछ तैयारियां सरकार और स्थानीय प्रशासन के द्वारा की गई है? आखिरकार 1 दिसंबर से स्कूल खोलने का निर्णय लिया था, लेकिन जिस तरह से दक्षिण प्रकार से आए नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का जो है अब कहर देखा जा रहा है, उसको लेकर मुंबई महानगर पालिका, मुंबई पुलिस सहित सरकार पूरी सख्त में है। सरकार ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों के अलर्ट मोड पर रख दिया है, लेकिन जो स्कूल खोलने का फैसला था उसको बढ़ाते हुए अब 15 दिसंबर से स्कूल खोलने का परमिशन दिया है। हालांकि 14 दिसंबर को जो है इस पे आखिरी मोहर लगाने के बाद देर शाम जो है मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कहा है। दूसरी तरफ यह बताया कि जिस तरह से लगातार नया वेरिएंट अब मुंबई में भी पैर पसारने लगा, उसको लेकर कहीं कहीं लोगों की चिंताएं बढ़ रही है। इस लिहाज से भी 1 दिसंबर से खुलने वाले स्कूल को जो है 15 दिसंबर से कर दिया गया है, जिसमें सबसे आम है कि मुंबई और पुणे में स्कूल खोलने की बात कही गई है। 1 से 4 चौथी कक्षा तक जो है पुणे में स्कूल खोलने की बात कही गई, जबकि 1 से लेकर 7वीं कक्षा तक मुंबई शहर में, यानी कि शहर और ग्रामीण दो भागों में डिवाइड किया गया है। खासकर शहरों में ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना वेरिएंट जो नया आया है उसका जो प्रसार है शहरों में देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जानकारी मिली है महाराष्ट्र राज्य में अब तक 6 नए मामले सामने आए हैं, जो चिंता का विषय बना हुआ। जी बिल्कुल, और जैसा कि आपने जानकारी दी कि पहले 1 दिसंबर से ये स्कूल खोलने थे, लेकिन अब इसके डेट जो है बढ़ाकर 15 कर दी गई है। ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर 15 तारीख से स्कूलों को खोल दिया जाएगा। देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने परिपत्रक जारी किया है उसमें सीधे तौर पर लिखा गया है कि जो क्वारंटीन जोन रहेगा वहां किसी भी तरह का स्कूल खोलने की जो है कार्रवाई नहीं की जाएगी, और जहां जहां कोरोना वेरिएंट या नए वेरिएंट जो आया है उस तरह की कोई चीजें रहेंगी तो वहां पर स्थानीय प्रशासन के अनुसार जो है ये पूरा मामला जो है गाइड किया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से गाइडलाइन बनाई गई है उस गाइडलाइन के तहत सभी बच्चों को कम से कम 6 फीट की दूरी पे बैठना बेहद जरूरी होगा, और नए नियम के तहत मास्क और फेस शील्ड के अलावा तमाम चीजें जो है साथ में रखना बेहद जरूरी होगा। खासकर अंतिम नए डेट पर बच्चों को बुलाने की बात कही गई है, तो यानी कि एक दिन अगर एक बैच के बच्चे जाते हैं तो दूसरे दिन उनको जो है अवकाश दिया जाएगा, तीसरे दिन से वो कंटिन्यूटी रखी जाएगी। इस तरह का प्रावधान
महानगर पालिका और पुणे महानगर पालिका ने बनाया है। भले ही अभी ओमिक्रोन वेरिएंट हमारे देश में नहीं पाया गया है, लेकिन इसका डर बरकरार है। ऐसे में कोरोना के इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए राज्य में किस तरह की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र कभी कोरोना से उबर ही नहीं पाया। इस बीच अब ये नया वेरिएंट, उसके बाद आपको तमाम स्कूल भी खोलने हैं, व्यवसाय भी चलाने हैं, फिल्म सिटी भी आपको चलानी है, तो राज्य सरकार क्या कुछ प्रयास पहले से कर रही है? बिल्कुल पल्लू जी, देखिए जिस तरह से लगातार पहले कोरोना, फिर डेल्टा वेरिएंट, उसके बाद से अब क्रोमियॉन का जिस तरह से नया वेरिएंट आया है, उसको लेकर कहीं कहीं सरकार की चिंताएं बढ़ रही। सरकार के ऊपर चौमुखी दबाव बनाया जा रहा है कि कभी मंदिर खोलने की बात की जा रही थी, कभी मॉल थिएटर खोलने की बात की गई, अब स्कूलों को खोलने की जो है सरकार की आवाज चालू है। अब ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो छोटे बच्चे, हालांकि छोटे बच्चों के लिए अब तक कोई वैक्सीन भी नहीं आई है, ऐसे में माता पिता पेरेंट्स की भी चिंता बढ़ गई है कि एक तो बच्चे घर से पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है, दूसरी तरफ जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे एक अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छे पैसे देते हैं, अच्छे स्कूलों में उनका एडमिशन करवाते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं हो पा रही पिछले 2 सालों में। लेकिन अब धीरे धीरे जब कोरोना मुंबई महाराष्ट्र में खत्म होने लगा तो लोगों की चिंताएं भी बढ़ने लगी, अब स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से नए वेरिएंट की आग सुनाई देने लगी है, माता पिता की चिंताएं भी बढ़ने लगी है। हालांकि सरकार जरूर कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार की चिंता यह है कि आने वाले समय में बच्चों के साथ किसी तरह का कोई बीमारी या इस तरह की कोई चीजें नहीं होने, उसके लिए सरकार पूरी मुस्तैदी में, हालांकि प्रशासन को अभी अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर कुछ भी होता है तो तुरंत उससे एक्शन लिया जाए। तमाम जो कोविड सेंटर बनाए गए थे, तमाम जो हॉस्पिटल बनाए गए थे, उनको जो है अलर्ट मोड पे किया गया है कि आने वाली अगर स्थिति बनती है तो तुरंत उससे निपटा जाए। तो कहीं कहीं सरकार की तैयारियां पूरी की जा रही है, लेकिन स्कूल खोलने का जो लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, उस पर भी सरकार अमल कर रही है। यही वजह की सरकार ने 15 दिसंबर से स्कूल खोलने की परमिशन जरूर दी है, लेकिन सरकार अब यह कह रही है कि 14 दिसंबर को जब ममता की पूरी तैयारियां हो जाएगी, स्कूल प्रशासन की पूरी तैयारियां हो जाएगी, उस पर एक बार जायजा लिया जाएगा, उसके बाद आखिरी बार 14 दिसंबर को लगा दिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया सत्य प्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो मुंबई और पुणे में स्कूल शुरू करने की घोषणा कर दी गई है और जल्द ही स्कूलों को शुरू कर दिया जाएगा ताकि बच्चों की शिक्षा और भी ज्यादा प्रभावित ना हो। और अब रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की खबर की ओर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार अलर्ट पर है, संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली कितनी तैयार है, इस बाबत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी है। सीएम केजरीवाल ने सभी विभागों के साथ मीटिंग की और तैयारियों का जायजा लिया। क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, कितने बेड, कितने मैन पावर की जरूरत है, सरकार ने इन सभी बातों का आकलन किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल 30,000 ऑक्सीजन बेड तैयार है, 10,000 बेड तैयार है, 6,800 आईसीयू बेड अंडर कंस्ट्रक्शन है। केजरीवाल ने कहा हमारी तैयारी 63,000 बेड की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा 27,000 ऑक्सीजन बेड्स शॉर्ट नोटिस में तैयार हो सकते हैं, 32 तरह की मेडिसिन का 2 महीने का बफर स्टॉक ऑर्डर किया जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि ओमिक्रॉन के लिहाज से होम आइसोलेशन की तैयारी भी हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। तो सीएम केजरीवाल ने सभी विभागों के साथ मीटिंग की और ओमिक्रॉन के मद्देनजर किस तरह की तैयारियां की जा सकती हैं, ये सभी चीज़ों को, व्यवस्थाओं को उन्होंने जांचा और परखा। आपको बता दें कि देश में ओमिक्रॉन जो कि कोरोना का नया वेरिएंट है, इसको लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि खुद WHO ने इस वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर की है। ऐसे में हमारे देश में तीसरी लहर की दस्तक ना हो जाए, इस बीच राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पूरी तैयारियों में अभी से जुट गए हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल के द्वारा कोरोना को लेकर एक अहम बैठक की गई, इस बैठक के बाद क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आई है? राजीव,
जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपका फोन पैच करवा लेते हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। तो सीएम केजरीवाल ने सभी विभागों के साथ मीटिंग की है। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट पर दिल्ली सरकार पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना की जो पिछली दो लहरें थी उसमें राजधानी दिल्ली की स्थिति काफी ज्यादा भयावह हो गई थी। ऐसे में फिर से राजधानी दिल्ली में किसी तरह की गड़बड़ ना हो, भयावह स्थिति उत्पन्न ना हो, इससे निपटने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल अभी से तैयार नजर आ रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट पर दिल्ली सरकार अलर्ट है। बताया जा रहा है कि तमाम बेड जो है उन्होंने अभी से तैयार करवाना शुरू कर दिए हैं, चाहे वो आईसीयू बेड हो, इसके अलावा ऑक्सीजन बेड की तैयारी उनके द्वारा की जा रही है, यानी कि तमाम तैयारियां उन्होंने कर ली हैं ताकि आने वाले समय में स्थिति ज्यादा खराब ना हो और लोगों को ज्यादा परेशानियों से जूझना ना पड़े। ओमिक्रॉन का खतरा पूरी दुनिया में मंडरा रहा है। कोरोना का ये नया वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया, उसके बाद WHO ने इस वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर की है। तमाम विशेषज्ञ इस वेरिएंट पर अब रिसर्च भी कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक जो वैक्सीनेशन करवाया गया है वो वैक्सीन इस वेरिएंट पर कितनी प्रभावी है, ये समझने की कोशिश की जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा, क्योंकि ये वेरिएंट हर किसी को अपनी चपेट में ले रहा है। जैसा दक्षिण अफ्रीका से जानकारी सामने आई है, जो लोग दोनों वैक्सीन की खुराक ले चुके हैं उनको भी ये वेरिएंट इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ गई है, WHO ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की है। जाहिर सी बात है कि कोशिश यही है कि एक बार फिर से हमारे देश में कोरोना की तीसरी लहर ना आए, क्योंकि पिछली दो लहरों का हश्र सभी ने देखा। त्राहिमाम की स्थिति पिछली दो लहरों में हो चुकी थी, तो ऐसे में तीसरी लहर से निपटने के लिए हर राज्य सरकार इस समय मुस्तैद नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। उनके द्वारा अभी से तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। एक बार फिर से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, आपको आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने जो बैठक की है, इस बैठक के बारे में क्या कुछ अपडेट अभी सामने आई है? यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कोरोना के नए वेरिएंट की तो लगातार कहीं ना कहीं आप दिल्ली सरकार कोई भी जोखिम देना नहीं चाहती है। जिस तरीके से दूसरी लहर के अंदर स्थिति देखने को मिली थी, ऑक्सीजन की कमी थी, बेडों की कमी थी, उसको लेकर अब दिल्ली सरकार बहुत ज्यादा सतर्क होती नजर आ रही है। और यहाँ पर दिल्ली सरकार से जिस तरीके से बैठक कर रही है और जो नए वेरिएंट को लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आ सकती है, तो कहीं ना कहीं उससे बचाव के लिए दिल्ली सरकार ने हर तरीके से कोशिश जारी कर दी गई है। यहाँ तक की बात करें ऑक्सीजन प्लांटों की बात करें तो हर अस्पताल के अंदर लगातार ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। यहाँ तक कि ऑक्सीजन जो टैंक है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है और लगातार और टैंकों को टीम से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडरों को भी बढ़ाया जा रहा है टीम से, मतलब लगातार कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए और तीसरी लहर से बचने के लिए प्रॉपर इंतजाम दिल्ली सरकार पहले से ही करना चाहती है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं बेडों की संख्या की बात करें तो कहीं ना कहीं 7,000 बेड जो है आईसीयू बेड वो भी बनवाए जा रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं और ज्यादा बेड जो संख्या है 10,000 बेड जो है वो नॉर्मल बेड है और लगातार कहीं ना कहीं 30,000 बेड जो है वो ऑक्सीजन बेड है। मगर लगातार दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश करती नजर आ रही है और दूसरी लहर के अंदर जो हालत थी उससे कहीं ना कहीं बचाव के लिए पहले से ही इंतजाम करते हुए जा रहे, ताकि तीसरी लहर के समय से पहले आएगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती है। मगर जिस तरीके से नए वेरिएंट की बात की जा रही है तो नए वेरिएंट का कहीं ना कहीं डाटा बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसकी जो वैक्सीन को पैसा देने के लिए भी हमारे बताया जा रहा है। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार हर तरीके से केंद्र सरकार के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाती नजर आ रही है और लगातार जनता के लिए कहीं ना कहीं सुविधाएं भी अस्पतालों के अंदर की जा रही है, चाहे वो मेडिकल की सुविधाएं हो, डॉक्टरों की सुविधाएं हो। मगर यहाँ पर बात करें तेजी से कुछ पिछले दिनों के अंदर डॉक्टर जो है वो आईसीयू बेड के सबसे हड़ताल पर है और कहीं ना कहीं उनकी मांग है कि और डॉक्टरों को और भर्ती करा जाए। मतलब यहाँ पर दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है, लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर कोई भी दिक्कत जो है वो मेडिकल के अंदर नहीं देखने को मिलेगी और अस्पतालों के अंदर पूरी सुविधाएं जनता को मिलती भी नजर आएगी। बिल्कुल, उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली के हालात ज्यादा खराब ना हो। भले ही अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो तमाम बेड की व्यवस्था कर रहे हैं, मेडिसिन का उन्होंने बफर स्टॉक पहले ही ऑर्डर कर दिया है,
पहले भी उन्होंने इस तरह के दावे किए थे, लेकिन स्थितियां क्या हुई सबने देखा, और उसके बाद केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से दिल्ली में हालात सुधर पाए। तो अभी क्या लग रहा है, वाकई में जो दावे केजरीवाल कर रहे हैं उनकी जमीनी हकीकत क्या है? राजीव, आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार के दावों की, तो कहीं ना कहीं दूसरी लहर के अंदर की शिकायतें दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए थे कि उनके पास प्रॉपर बेड संख्या है, वो इलाज के लिए पहले से तैयार है, उनके दिल्ली के जो मेडिकल अस्पताल थे वो कहीं ना कहीं बेहतर बताए जा रहे थे, मगर जब हालात बिगड़ती नजर आई तो दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार का सहयोग किया था, और वही चीज कहीं ना कहीं अधिक दिखाई जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा कि दिल्ली सरकार प्रॉपर इंतजाम करती नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के प्लांटों को लेकर जो कोशिश की वो जरूर कारगर होती नजर आई, और कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर लगातार कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की सुविधाएं जो है वो बढ़ाई जा रही है, मगर ऑक्सीजन के साथ साथ कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर जो डॉक्टरों के ऊपर दबाव है वो कहीं ना कहीं देखना होगा, क्योंकि आजकल डॉक्टरों की कमी है, और डॉक्टरों को कहीं ना कहीं अस्पतालों में भर्ती करना चाहिए था, मेडिकल स्टाफ को भर्ती करना चाहिए था, मगर अस्पतालों के अंदर मेडिकल स्टाफ अभी तक जितने भर्ती नहीं हुए हैं जितने होने चाहिए थे, जब चाहे तीसरी लहर में 50 के लिए प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए थे, मगर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल सुविधाएं जब हमारे। अभी आपको थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम राजधानी दिल्ली की खबर पर चर्चा कर रहे थे कि कैसे अरविंद केजरीवाल के द्वारा तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं कि वो कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, अभी स्कूल खोलने की भी तैयारियां हैं और बच्चों की शिक्षा वैसे ही बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुकी है, ऐसे में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए क्या लग रहा है कि बच्चों की शिक्षा को लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठा सकती है? स्कूल भले ही खुल गए हैं लेकिन अगर हालात खराब होंगे तो एक बार फिर से स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को बंद करने की नौबत आ सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार के दावों की, तो दिल्ली सरकार ने दावे पहले दूसरे लॉकडाउन से पहले भी किए थे, लगातार स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बात की गई थी, मगर कहीं ना कहीं स्थिति जो उनके हाथ से निकली तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को उसके अंदर अच्छे से करना पड़ा, और कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग भी मिला, मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अभी की बात करें तो कहीं ना कहीं जब नया वेरियंट चला रहा है, तीसरी लहर तेजी से आ जा रहा है, या तीसरी लहर घातक क्या है, और कहीं ना कहीं बच्चों को बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, मगर अभी जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने स्कूल जरूर खोल दिए गए, 29 नवंबर से शुरुआत भी कर दी गई, मगर अभी बच्चे जो है वो स्कूलों के अंदर जा भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स की जिम्मेवारी है यानी मास्क देने की और या फिर सैनिटाइजर देने की या फिर स्कूलों पर सदन की जो जिम्मेवारी है वो सभी पूरी तरीके से निभाते हुए नजर आ रहे हैं, मगर यहाँ पर बात करें अगर हालात बिगड़ते हैं तो दिल्ली सरकार और कितने ज्यादा सतर्क होती नजर आती है, या फिर कहते हैं इंतजाम कितने किए गए, मगर अभी तक जो है अस्पतालों के अंदर है दिल्ली के तीन बड़े अस्पतालों की बात करें तो कहीं लेडी आर्डिंग की बात करें, आरएमएस की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं ओपीडी जो है वो अभी भी बंद कर जाएगी, छोटे मोटे इलाज के लिए ओपीडी में जो मरीज जाते हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक दिक्कत हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर है वो हड़ताल पर गए हुए हैं, मगर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सरकार को और ज्यादा इंतजाम करने चाहिए, डॉक्टरों की भर्ती करनी चाहिए, स्टाफ की भर्ती करनी चाहिए, ताकि जो तीसरी लहर का खतरा बताया जा रहा है उसे लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर जाकर मुआयना भी कर रहे हैं, मगर उनके लिए कहीं ना कहीं जब तक डॉक्टर ही नहीं होंगे तो मेडिकल कौन देगा, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है, मेडिकल की सुविधाएं जनता तक कैसे पहुंच पाएगी ये सबसे बड़ा सवाल बनता है, मगर यहाँ पर डॉक्टरों की भर्ती और स्टाफ की भर्ती बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अस्पतालों के अंदर जो सुविधाएं हैं वो मरीजों का जो डॉक्टर के माध्यम से ही पहुंचती है, तो डॉक्टरों की कहीं ना कहीं भर्ती जरूर होनी चाहिए, केजरीवाल सरकार कोशिश और प्रयास कर रही है तो उम्मीद की जा सकती है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार हो जाए। शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी देने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। रुख कर लेते हैं राजधानी चंडीगढ़ का। राजकुमार वेरका ने कांग्रेस पर सुनील जाखड़ के उठाए सवाल पर बोलते हुए कहा कि संगठन को लेकर जो लिस्ट दी गई थी वह सभी से सलाह करके ही तैयार की गई थी जो कुछ दिन में जारी हो रही है। सुनील जाखड़ पर वेरका ने कहा कि लिस्ट जो बनी थी वह जाखड़ के समय से बनी हुई है और सभी से उसकी चर्चा हुई है, तो जब लिस्ट सामने नहीं आई तो उसमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसानों की हालत अब देश में ठीक नहीं है। गलत खबर है,
और वो जो लिस्ट है सभी लोगों से मशवरे के बाद, जिसमें कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर्स की, एमएलए, मिनिस्टर्स, इवन पार्टी के जो एक्स प्रेजिडेंट रहे हैं, उन सब से सलाह मशवरे के बाद वो लिस्ट को तैयार किया गया है। और वो लिस्ट जो है वो दो चार दिन में जारी हो रही है। किसी भी तरह की लिस्ट में कोई भी परेशानी नहीं है, ना कोई इतराज है किसी को। वो लिस्ट में सिर्फ देरी इसलिए हुई है कि कुछ रिकमेंडेशन और है जिसको और शामिल करने की ज़रूरत थी, उनको शामिल किया गया है। लेकिन किसी भी तरह का पार्टी के अंदर ऐसा कोई मतभेद नहीं। सुनील जाखड़ नाराज है, उन्होंने अभी भी ट्वीट किया नवजोत सिंह सिद्धू को, वो टारगेट कर रहे हैं, लगातार ट्वीट उनके जारी है, उनसे कोई राय नहीं ली गई है। इस तरह कई लीडर्स हैं, कई विधायक हैं, कह रहे हैं हमारे इलाकों में जिला प्रधान नियुक्ति होनी है, लेकिन हमसे ही नहीं पूछा गया। मुझे लगता है कि क्योंकि वो लिस्ट जो थी वो सुनील जाखड़ जी के जब अध्यक्ष थे उनके समय से ही जो है वो लिस्ट बनी हुई है। वो कांग्रेस हाईकमान के ने भी उसमें डिस्कशन किया है, सभी पार्टी के लोगों के पास डिस्कशन हो चुकी है। उसमें जो और तरह और सुजेशंस आई हैं उनको सुजेशन को शामिल किया गया है। और पार्टी के, मैंने आपको कहा कि वो जो लिस्ट है, क्योंकि अभी तक तो लिस्ट आई नहीं, तो ऐतराज किस बात का? ऐतराज इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे, सुनील जाखड़ किस लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरह की नाराजगी उन्होंने इस समय जताई है, और राजकुमार वेरका ने भी उनके नाराजगी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सुनील जाखड़ की तरफ से जो कुछ भी बयानबाजी की जा रही है वो सरासर गलत है। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। जो कांग्रेस के प्रधान है नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी तरफ से एक बकायदा लिस्ट तैयार करके भेजी गई थी। ये लिस्ट थी, लिस्ट में आपको बता दें कि ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जो प्रधान लगाए गए हैं, ये जो एक्टिंग प्रधान लगाए गए इलेक्शन को देखते हुए, इसमें जो सवाल उठा है ये नहीं है कि जो प्रधान लगाए गए उसको लेकर बवाल है। इसमें सवाल ये उठ रहा है कि जो लोकल एमएलए है, जो वहां के विधायक है, उनकी रिकमेंडेशन नहीं ली गई है, ये कहेंगे दावा किया जा रहा है, ये बात की जा रही है। इसके ऊपर कुलदीप वैसे ही बात की गई थी, तो वो सीधे तौर पर कहते हैं नहीं, मेरी राय ली गई थी, मेरे से पूछा गया था कि बकायदा मीटिंग हुई थी जिसमें सब शामिल हुए थे, तो उनकी तरफ से बचाव पक्ष सीधे तौर पे नजर आ रहा है। तो वही कैबिनेट मिनिस्टर राजकुमार वेरका की तरफ से जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो कि लिस्ट एक लंबे समय से तैयार हो रही है, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि लिस्ट काफी लंबे समय तैयार हो रही है, और ये लिस्ट नवजोत सिंह सिद्धू ने नहीं तैयार की, ये जो लिस्ट तैयार की गई है बकायदा सुनील जाखड़ के समय से तैयार की जा रही थी, जिसको इंप्लीमेंट करने में समय लग गया। उसमें इंप्लीमेंटेशन को सीधे तौर पर बोलते हैं कि लिस्ट अभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुई है, और उसका जो कारण अगर हम कहें राजकुमार वेरका की तरफ से जो बताया गया है कि इस लिस्ट में नए नाम शामिल होने थे वो भी रिकमेंडेशन के चलते, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि एमएलए ने अपने एरिया से और नाम रिकमेंड किए थे, जिसके बाद इस लिस्ट को अपडेट करने की जरूरत होती है, और उसके बाद ही वो अपडेट के बाद लिस्ट जारी होगी। देरी के ऊपर बोलते हैं कि समय लगता है, नए नाम जुड़ रहे हैं, कई चीजें कंसिडर होती है, इसलिए देरी लग रही है। तो वही सुनील जाखड़ की टिप्पणी के ऊपर सीधे तौर पर बोलते हुए नजर आए कि लिस्ट उनके समय से ही तैयार हो रही थी, तो अगर देरी है तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से देरी है। उनको लिस्ट में कौन कौन शामिल है उनको ऑलरेडी इसके बारे में पता है, पर जो एलिगेशन है, जो अगर हम कहेंगे कांग्रेस के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स की अगर बात करें, जो अंदरूनी लड़ाई की बात करें, तो ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि जो लिस्ट तैयार की गई है उसमें पूरी तरह से नवजोत सिंह सिद्धू के फेवर्ड ही जो है, जो उनके अपने खेमे के जो लोग हैं, जो जिनको खुद प्रेफर करते हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, तो उन सभी को ही कंसिडर किया गया है, ना कि जो दूसरे हैं। पर अब जब लिस्ट सामने आएगी, जब लिस्ट अगर हम कहेंगे जो नए एक्टिंग प्रधान लगाए जाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या किसी को फेवर किया गया, या फिर यहाँ पर भी नवजोत सिंह सिद्धू एक सॉलिड अपना परमानेंट स्टैंड लेके चले कि जो उनको चाहिए वही मिलेगा, ये सभी बताएंगे। पर अभी तक जो कांग्रेस एक सॉफ्ट स्टैंड लेते नजर आ रही है, और बोलते नजर आ रहे कि सबसे राय ली गई थी, सबकी बातें कंसिडर की गई है, उसके बाद ही लिस्ट तैयार की गई है। पर जैसे सुनील जाखड़ ट्वीट करते नजर आ रहे हैं, जैसे बार बार विरोध करते नजर आ रहे हैं, पर ऐसा लग नहीं रहा। सवाल ये है कि क्या अब नवजोत सिंह सिद्धू वन मैन शो बन के आगे जाने वाले हैं, कि क्या कांग्रेस के लिए, पंजाब कांग्रेस के सारे डिसीजन अकेले वो लेने वाले हैं? क्योंकि अगर ऐसा कदम उठाते हैं तो कांग्रेस के लिए ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो लड़ाई खत्म होती है नजर आती थी, क्योंकि हर बार एक होता है कि पंजाब कांग्रेस में ऐसा लगता है कि लड़ाई लगभग खत्म हो जाती है, तो कहीं ना किसी मसले में नवजोत सिंह ट्वीट कर देते हैं या किसी और मसले पर स्टैंड लेते हैं और बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। तो सवाल ये कि इस टाइम पार्टी में जो इलेक्शन इतने नजदीक आ गए हैं, कि क्या इतना जरूरी हो जाता है कि खुद आपस में कांग्रेस इतना डिवाइडेड फ्रंट दिखाए?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसको कांग्रेस को बहुत ज्यादा है कि चुनाव नजदीक आते आते एक बार फिर से संगठन को मजबूत और एकजुट करना कितनी बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।